धर्म ही वो है जो राम को अपनावे। राम को अपनाना और धर्मी होना पर्याय है, और जो धर्मी होगा वही किसी का उपासक होगा, देवी का, महादेव का, गायों का, माता पिता का, सूर्य का, हनुमान जी का, किसी भी स्वरूप का। आपने राम को नहीं अपनाया और उपासना करो गणेश जी की, तो गणपति जी कहेंगे मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं है। राम के गुणों को नहीं अपनाओगे और महादेव की उपासना करोगे तो शंकर जी भी दरवाजा बंद कर देंगे कि पहले राम को अपनाओ जाओ। राम के गुणों को धारण करो, क्योंकि राम के गुण केवल कहने और सुनने के लिए नहीं है, राम के गुण व्यवहार में धारण करने के लिए। जब राम के आदर्श और राम के गुणों को नहीं अपनाओगे तो देवी देवता की उपासना करने जाओगे तो सब कहेंगे यहां से जाओ जाओ जाओ, हटो यहां से, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी उपासना, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी उपासना, जाओ यहां। लेकिन यदि आपने राम को भजा, राम को समझा, राम को माना और राम के गुणों को आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो 33 कोटि देवी देवता कहेंगे कि आओ यहाँ मुझे भजो। सारे देवता चाहेंगे कि आप उसे भजो, वो कहेंगे मुझे भजो, मुझे सिद्धि देनी है तुम्हें, मुझे भजो, मैं वरदान देना चाहता हूँ, मुझे भजो, मैं कृपा करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ लुटाना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ, मुझे भजो, मेरे पास आओ। समस्त देवता आपको निमंत्रण देंगे कि मेरे पास आओ, मुझे भजो। राम विमुख होकर के आप जहाँ कहीं भी जाओगे तो पुजारी जी तो दरवाजा खोल देंगे लेकिन देवता नहीं खोलेंगे। देवता तो तभी खोलेंगे जब राम को भजो, राम को अपनाओ, क्योंकि राम है भारतीयता, राम है धर्म। कई रूपों में राम को देखा गया है महापुरुषों के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं कि राम दशरथ जी के पुत्र हैं, कुछ लोग कहते हैं राम ब्रह्म है, कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्रह्म राम था ना, वो ही दशरथ का बेटा बनकर आया है, वो ही आया है। तो कोई कहता है अरे ब्रह्म बेटा थोड़ी बनता है किसी का, बाप तो बाप ही रहेगा ना, वो बेटा कैसे बनेगा। कोई कहता है वो तो ब्रह्म है, वो तो बाप है, तो बेटा बनता ही नहीं है। तो आखिर क्या है, जानते नहीं कि राम कौन है? और बिना राम को जाने, बिना राम को समझे भी ये बात तो है कि हम राम के बिना रह नहीं सकते, राम नाम के बिना रह नहीं सकते, राम भजन के बिना रह नहीं सकते, राम कथा के बिना हमको अच्छा नहीं लगता। आखिर वो क्या है? तो राम कथा के आरंभ में आज हमें राम के दोनों रूपों को समझना है कि आखिर राम कौन है, दशरथ जी का पुत्र है या फिर ब्रह्म है, या फिर ब्रह्म ही किसी का पुत्र बन करके आया है, क्या है? राम ब्रह्म भी है,
राम दशरथ जी के पुत्र भी हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी यह है कि दशरथ जी के पुत्र राम के गुण को सुनकर समझकर राम जी का भातृ प्रेम, राम जी का प्रजा प्रेम, राम जी का पिता प्रेम, राम जी का मातृ प्रेम, राम जी का राष्ट्र प्रेम राम जी की मर्यादा, राम जी का विवेक, राम जी का शील, राम जी के मानवीय गुणों को आप समझो। दशरथ जी के पुत्र राम जो मनुष्य रूप में है, उस राम के मानवीय गुणों को समझकर जब राम के मानवीय गुणों को आप जीवन में धारण करोगे तो ब्रह्म राम की अनुभूति का अधिकार प्राप्त कर लोगे। राम ये भी है, राम वो भी। खुद राम कहते हैं मैं तो पुत्र हूं आपका। सुनो जननी, हे जननी, हे माता, हे माँ, मैं तो बेटा हूं आपका। सुनो जननी, सोई सूत बड़ पाई, जो पितु मातु वचन अनुराग। और उन भाग्यवान पुत्रों में, उन भाग्यवान संतानों की पंक्ति में मैं भी हूं राम जी के, जो माता पिता के वचनों का अनुरागी हो वो सबसे भाग्यवान पुत्र है, और उन भाग्यवानों के पंक्ति में हम भी हैं। सुनो जननी, सोई सूत बड़े भागे, सुनो जननी, सोई सूत बड़े भागे, वचन अनुरागे, जो पितु मातु वचन अनुरागे, जो पितु मातु वचन अनुरागे, जो पितु मातु वचन अनुरागे, जो पितु वचन अनुराग। सुनो जननी, सोई सूत बड़े भागे, सुनो जननी, सोई सूत बड़े भागे। ब्रह्म राम का अनुभव जिसे करना हो, ब्रह्म राम की अनुभूति प्राप्त करना हो, ब्रह्म राम को अपने हृदय में प्रकट करना हो, भये प्रकट कृपाला, उस ब्रह्म राम को अपने हृदय में प्रकट करना हो तो फिर देह के द्वारा आपके जो व्यवहार है, इस व्यवहार में दशरथ जी के पुत्र राम को अपनाना हो। इसलिए राम जी के दोनों ही रूप हमारे लिए कल्याणकारी है, चाहे वो पुत्र राम हो या परमात्मा राम हो। जब पुत्र राम को आप अपना आदर्श नहीं मानोगे तो परमात्मा राम का परिचय कैसे प्राप्त करोगे, परमात्मा राम को कैसे प्रकट करोगे, परमात्मा राम की अनुभूति कैसे लोगे। राम एक भी है और राम अनंत भी है। राम
एक भी है और राम व्यापक भी है। एक राम, एक राम के लिए मानस में शब्द रखा है। भरद्वाज जी बोले हैं, एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार, अवधेश के पुत्र राम, वो एक राम है। लेकिन घट घट में है, कण कण में है, रोम रोम में रम रहा है वो व्यापक राम। एक राम आपका मार्गदर्शन करेगा और व्यापक राम आपको परमानंद प्रदान करेगा। एक राम आपका आदर्श बनेगा और अनंत राम आपको, आपके जीवन को अमृत बना देगा, जीवन को, हर विचार को अमृत बना देगा। इसलिए यदि कोई कहते हैं कि हम तो ब्रह्म राम को मानते हैं, राजा के बेटे को नहीं, तो ये नहीं चलेगा। और आप ये कहो कि हम तो राजा के बेटे राम को ही मानते हैं, हम तो व्यापक राम को नहीं मानते, वो भी नहीं चलेगा। यहाँ से यात्रा को आरंभ करना है और वहां तक हमें पहुंचना है। अमरावती से हमें आरंभ करना है और पंढरपुर तक हमें पहुंचना है। हम इसी को मानेंगे उसको नहीं, ये भी गलत होगा। हम उसी को मानेंगे इसको नहीं, ये भी गलत होगा। इसलिए दशरथ जी के पुत्र राम को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। पुत्र राम का परिचय प्राप्त करो, पुत्र राम की विशेषताओं को समझो, क्योंकि पुत्र राम में जितने गुण हैं उन गुणों को आप अपने जीवन में विकसित कर सकते हो। राम जी, दशरथ जी के पुत्र राम में जो कुछ बताया गया है, जितने गुण बताए हैं मानस में, वो सारे के सारे गुण ऐसे हैं कि वक्ता श्रोता के अंदर मौजूद है, विद्यमान है, हम सब के अंदर। जो गुण आपके अंदर विद्यमान नहीं होंगे, ऐसा कोई भी गुण दशरथ पुत्र राम के व्यवहार में नहीं होगा। तो राजकुमार राम के अंदर आपको जितने भी गुण दिख रहे हैं, उनके व्यवहार में जितनी विशेषता दिख रही, वो सारी विशेषता और सारे गुण वक्ता और श्रोता के भीतर विद्यमान है। हमें केवल उसको खोलना है, उसकी वृद्धि करना है, उसका विकास करना है, उसकी परख करना है कि दशरथ के बेटे राम में ये जो शक्ति पड़ी है वो हमारे अंदर भी है। दशरथ पुत्र राम में जो गुण है वो हमारे अंदर भी है। दशरथ पुत्र राम में जो विशेषता है वो विशेषता हमारे अंदर भी है। हमें उसे परखना है बस, और हमें उस गुण का विकास करना है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं है वो लाना है। एक नहीं, एक लाख कथा सुन लो ना, तब भी जो वस्तु बीज के रूप में आपके अंदर नहीं है वो कभी नहीं आएगी। जो नहीं है वो, जो नहीं है वो कभी नहीं आएगा आपके अंदर। क्योंकि उन्हीं गुणों का विकास किया जा सकता है कि जो बीज के रूप में पड़ा हो। जिसका बीज ही नहीं है, जिस गुण का बीज ही आपके अंदर मौजूद नहीं होगा ना, तो उसका तो विकास है कैसे होगा बिना बीज का। जिस मनुष्य के अंदर जिस गुण का बीज नहीं है वो उसमें कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, चाहे लाख कथा सुन ले, नहीं आता। जो नहीं है वो नहीं आता, जो पड़ा है उसी का विकास किया जा सकता है। लेकिन पड़ा क्या है वो भी काम जानते, वक्ता नहीं जानता कि मेरे भीतर क्या क्या खूबियां पड़ी है, श्रोता भी नहीं जानते कि अपने भीतर कैसी कैसी खूबियां पड़ी है, कैसी कैसी शक्तियां पड़ी है,
न तो हम जानते हैं न तो आप जानते हैं। तो राम कथा के द्वारा राम की विशेषताओं को समझते समझते वक्ता श्रोता को पहले ये भी समझ लेना है कि ये सारी खूबियाँ हमारे भीतर विद्यमान है, और उसके बाद राम को बजते बजते राम कथा का राम तत्व का चिंतन करते करते फिर उन विशेषताओं को विकसित करना होगा। मनुष्य के अंदर जो गुण विद्यमान नहीं है वो बात राम के चरित्र में नहीं आएगी। तो मतलब ये हुआ कि पुत्र राम को समझना हमारे लिए कितना जरूरी है, समझ रहे ना? पुत्र राम को समझना कितना जरूरी है। राजकुमार राम को, पुत्र राम को, दशरथ जी के बेटे राम को समझना बहुत जरूरी है। माता पिता के साथ राम का व्यवहार, भाइयों के साथ राम जी का व्यवहार, समाज के साथ राम जी का व्यवहार, अरे देखने जैसा है दुश्मन के साथ भी राम का व्यवहार, दुश्मन के साथ भी राम का व्यवहार प्रेरक है। पूरी राम कथा में आप देखो आपको एक प्रसंग ऐसा नहीं मिलेगा कि राम जी ने कभी रावण की निंदा की हो। जो लोग राम कथा का प्रतिदिन पाठ करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, यहाँ ये देवियां उपस्थित हैं जो राम कथा स्वयं करती हैं, आपको एक प्रसंग ऐसा नहीं मिलेगा बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक आपको एक वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा कि राम ने कभी रावण की निंदा की हो, दुश्मन के साथ राम का व्यवहार। यदि जैसे रावण राम की निंदा करता है उसी प्रकार राम जी रावण की निंदा करने में लग जाते तो न तो राम रावण को मार सकते न रावण राम को मार सकते। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत तभी संभव होती है कि अच्छाई अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ती। और वो बुराई की निंदा करने में भी स्वयं की ऊर्जा को बर्बाद नहीं करती, वो समझती है लेकिन वो उसकी बुराई नहीं करती, केवल उससे बचकर रहना है। दुश्मन के साथ राम का व्यवहार देखो, दुश्मन में जो बात अच्छी नहीं है यदि आप उसकी बहुत चर्चा करोगे ना तो दुश्मन में जो बात आपको अच्छी नहीं लगती वो धीरे धीरे आपको अच्छी लगने लगेगी। जब आपको अच्छी लगने लगेगी तो कुछ समय के बाद आप कहोगे वो ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं करें। मतलब क्या हुआ, आपने भी शुरू कर दिया ना, जो जो बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी उसकी, तो जिसकी जो बात जिसकी जो आदत आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो तो आपको कभी नहीं करनी है, सपने में भी नहीं करोगे कि आपको पसंद नहीं है। पर ऐसा होता कहाँ है, होता तो यही है कि दुश्मन की जो आदत आपको पसंद नहीं है तो उसकी बुराई करते 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 कुछ महीनों के बाद आप भी शुरू कर देते हैं वो ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, तो वो भी करते हैं और आपने शुरू कर दिया तो कोई फर्क रहा उसमें आप में, कोई फर्क नहीं रहा। यही कारण है कि फिर हम स्वयं को सज्जन कहते हैं, सच्चे इंसान भी कहते हैं, लेकिन हम बुराई का नाश करने में सफल भी नहीं हो रहे। त्योहार में तो बोल देते हैं, जैसे होली आएगी और कहना शुरू बुराई पर अच्छाई की जीत, दशहरा आएगा तो फिर बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन आपसे अगर बुराई का नाश नहीं होता तो क्या आपकी सच्चाई में संदेह नहीं है? यदि सच्चाई से अच्छाई से
बुराई का नाश नहीं हो रहा तो मतलब क्या हुआ कि अच्छे व्यक्ति की अच्छाई में ही संदेह, जो स्वयं को सच्चा इंसान कहते हैं तो उसकी सच्चाई में ही संदेह हुआ ना। यदि सच्चे इंसान की सच्चाई में कोई संदेह नहीं है तो फिर बुराई पर तो उसकी जीत आज भी होनी चाहिए, जैसी सतयुग में हुआ करती थी, त्रेता में हुआ करती थी, आज भी होनी चाहिए। नहीं, आज तो हम केवल सूत्र बोल देते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत। दानवों के ऊपर देवताओं की जीत। अपने जीवन में हम लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और फिर आपके जीवन में जब ऐसा होता है कि जब आप बुराई का नाश नहीं कर सकते, आप बुराई के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते, और आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों, आप कहोगे कलयुग है ना इसलिए। आप या तो ये कहोगे कलयुग है, या तो ये कहोगे जमाना बहुत बिगड़ा है, बहुत बिगड़ा है जमाना। क्योंकि आप में ये कहने का साहस नहीं है कि हम बिगड़े हैं, तो ये कहोगे जमाना बहुत बिगड़ा है। कलयुग में तो अच्छे लोग दुखी होते हैं, सच्चे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, बुरे लोग ही मजा लुटाते हैं और अच्छे लोग हमेशा दुखी। मतलब ये आपका अपना शास्त्र है, न तो राम कथा में लिखा है, न कहीं भागवत में लिखा है, न कहीं गीता जी में लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा कि दुष्ट लोग मजा उड़ाएंगे, दुर्जन मजा करेंगे और अच्छे लोग दुखी रहेंगे, सच्चे लोग परेशान रहेंगे। कलयुग है इसलिए हमारे जैसे सच्चे इंसान दुखी रहते हैं। बस आप ये आपके घर का सूत्र है और घर का शास्त्र है। शास्त्र तो यह कहता है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है बुराई के ऊपर, अच्छाई की जीत हमेशा होती है बुराई के ऊपर, चाहे सतयुग हो या फिर कलयुग हो। ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि कहीं ना कहीं दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को उसकी चर्चा करते करने में, उसकी बुराई करने में, उसी का विचार करने में आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। तो या तो आप कमजोर हो जाओगे या तो आप उसके जैसे हो जाओगे, फिर क्या करना क्या नहीं आपकी मर्जी। हम तो चले जाएंगे 9 दिन कथा सुना के, क्या करना है आपकी मर्जी। दुष्ट व्यक्ति की चर्चा ज्यादा करोगे, दुष्ट व्यक्ति की निंदा करोगे, दुष्ट दुर्जनता की, यदि दुर्जनता का विचार करोगे और उसी के चिंतन में रहोगे तो दो में से एक होगा ही, या तो आपकी शक्ति खर्च हो जाएगी और समय पर खर्च हो जाएगी, या फिर आपको भी अच्छा लगने लगेगा, उसके सदस्य बन जाओगे कहीं। धीरे धीरे आप भी कहोगे कि हम क्यों नहीं ऐसा करें, वो करते हैं तो हम भी क्यों नहीं करें। तो मतलब एक जैसे हो जाओगे। ये कारण है कि हमको पता नहीं है कि दुष्ट के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, दुर्जनों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, दुश्मनों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। जबकि राम के चरित्र को देखो तो आपको ये भी जानने को मिलेगा कि दुश्मन के साथ भी क्या व्यवहार होना चाहिए। समाज के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। एक सीधी सी बात यह है कि चरित्र को सुधारने के लिए उदाहरण के रूप में दूसरे चरित्र की ही आवश्यकता होती है। और तुलसीदास जी ने राम कथा को नाम दिया है राम चरित्र मानस जीना। राम चरित्र मानस
मनुष्य के चरित्र को सुधारने के लिए दूसरे चरित्र के आधार की आवश्यकता होती है। फिर राम जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, ध्रुव जी महाराज का चरित्र, नारद चरित्र, अम्बरीश चरित्र, जैसे भागवत में बहुत सारे चरित्र पर चर्चा। चरित्र का शुद्धिकरण करने के लिए चरित्र चाहिए। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, जिनका चरित्र हमारे चरित्र से अच्छा हो तो फिर हमें उसी से सीखना है। ब्रह्म से कैसे सीखोगे, उस निर्गुण निराकार से क्या सीखोगे, कैसे सीखोगे? सीखना तो उसी से होता है जो दो हाथ वाला, दो पैर वाला बन करके इस धरातल पर आएगा। उसी के चरित्र से ही हमारा चरित्र विशुद्ध हो सकता है। बिना हाथ वाला, बिना पैर वाला उससे क्या सीखेंगे? उद्धव जी ने कहा था कि भगवान तो बिना हाथ पैर वाला होता है, गोपियों को समझाया कि वो तो ब्रह्म है, ना हाथ है ना पैर है। तो गोपियों ने कहा कि ऐसा विकलांग भगवान तुम्हारे पास हो तो जिनको चाहिए उनको दे दो, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक हमें अपने चरित्र का शुद्धिकरण करना जरूरी है या फिर हमारा चरित्र बिगड़ने की संभावना है, तब तक हमें तो दो हाथ वाला ही चाहिए। तब तक हमें मनुष्य रूप में ही चाहिए। तब तक कोई मानव रूप में आकर के जो चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत करेगा अपने व्यवहार के द्वारा, हम उसी से सीख सकते हैं। बिना हाथ वाला हमको कैसे सिखावे कि हाथ से क्या करना चाहिए? हाथ हाथ क्यों दिए भगवान ने, हाथ से क्या करना है वो तो कोई हाथ वाला ही बता सकता है ना। बिना हाथ वाला क्या बताएंगे आपको? बिना पैर वाला, बिना आंखों वाला, बिना कान वाला वो कैसे बताएंगे कि आंखों से क्या देखना चाहिए क्या नहीं, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए? वो बिना पैर वाला थोड़ी बताएगा, वो तो पैर वाला ही बताएगा, हाथ वाला ही बताएगा कि हाथ से क्या करना है। जिसकी आंखें हो वो ही बता सकता है कि आंखों के द्वारा क्या देखना है। जिसके कान हो वही बता सकता है कि कान के द्वारा हमें क्या सुनना है। क्योंकि हमें तो इसी हाथ पैर कान आंख इसी पुतले में हमें रहना है। तो जब तक हमें स्थूल में रहना है तब तक ब्रह्म का हम चिंतन जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें ब्रह्म चिंतन का अधिकार कोई श्रेष्ठ चरित्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। चरित्र सुधारने के लिए तो चरित्र ही चाहिए, और भारत में चरित्र की पूजा होती है। बेस की नहीं होती। सबसे
सबसे कम प्रभाव दुनिया के ऊपर यदि होता है किसी का, सबसे कम कम समय तक प्रभाव आपका टिकता है, तो वो है वेश का। एक सुंदर सा वेश बनाने के लिए आपको लाखों रुपये खर्च हो जाएंगे। बहुत महंगे वस्त्र आप धारण करो, बहुत महंगी साड़ी पहन लो, बहुत महंगे सूट बूट धारण करो और लाखों के गहने आप पहनो, तो एक पांच सवा पांच फीट का आपका ये पुतला, इसको सजाने में लाखों रुपये लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी देखो कि इसका प्रभाव बहुत कम समय तक दिखता है। कुछ मिनटों के लिए लोग आपको देखते रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही पता चलेगा इसका स्वभाव बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, गए काम से लाखों रुपये पाने में, लाखों पाने में। एक झोपड़ी में रहने वाला भी आपकी मजाक उड़ाएंगे, हमें क्या लेना देना है तुमसे। भक्तों के चरित्र, संतों के चरित्र, तुकाराम जी महाराज का चरित्र, ज्ञानेश्वर जी महाराज का चरित्र, नामदेव जी महाराज का चरित्र, कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा, एक दूसरे को सुनाया होगा, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। शारीरिक रूप से तो है नहीं, अब वो तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं भरता, क्योंकि यह है चरित्र का प्रभाव। तो परमात्मा राम, ब्रह्म राम चरित्र बनाने में कैसे मदद करेगा, क्योंकि न तो हाथ है न तो पैर है, कैसे करेंगे? हम लोगों को तो हाथ पैर वाले शरीर में रहना है, और देह के द्वारा ही यदि हमने सत्कार्य नहीं किया, देह को ही हमने सही दिशा में नहीं लगाया, तो हम ब्रह्म राम के साक्षात्कार के अधिकारी भी नहीं बनते। तो पहली बात तो यही है कि हमें अपने चरित्र को ही संवारना है, सुधारना है, विशुद्ध करना है, बनाना है। तो इसके लिए भगवान राम दशरथ जी के पुत्र के रूप में पधारे हैं, वो राम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो हाथ पैर वाला है, वो कह सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। साधु का वेश धारण करके प्रभु ने यह भी बताया कि साधु कैसा होना चाहिए। मम पन शरणागत बयहारी, ये साधु राम के शब्द है जो सुंदरकांड है। मैं राजनीति नहीं कर सकता हूँ, राम जी बोले सुंदरकांड में, सुग्रीव तुम राजनीति की बात करते हो, लेकिन मैं राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राजा राम नहीं हूँ, इस वक्त तो मैं साधु राम हूँ। पर हमारी हमारी साधुओं की पद्धति, हमारा साधु का स्वभाव तो यह है, शरणागत भाई हारी, ये साधु राम, साधु राम ही कह सकते हैं, करहु सद्य तेहि साधु समाना। क्योंकि किसी को साधु बनाना किसका काम है, दूसरे साधु का। जब आप महात्मा नहीं है तो महात्मा कैसे बनाओगे किसी को, आप खुद ही महात्मा नहीं है तो फिर आप कहोगे कि चलो मैं सन्यास दे दूं तुमको, मैं तुम्हें साधु बनाऊं, तो वो तो कहेंगे पहले तुम तो बनो, और तुम तो सन्यासी हो नहीं, और तुम हमें कैसे सन्यास दो, खुद तो सन्यासी है नहीं, एक सन्यासी ही तो किसी सन्यासी को दीक्षा दे सकता है, साधु ही किसी को साधु बना सकता है, जो खुद ही साधु नहीं वो कैसे बनाएंगे। ये तो सुंदरकांड के राम कह सकते हैं, मतलब कि साधु राम कह सकते हैं। करहु सत्य तेहि साधु समाना, करहु सत्य तेहि साधु समाना, करहु सत्य तेहि साधु समाना, करहु सत्य तेहि
साधु समाना साधु समाना साधु समाना साधु समाना साधु समाना साधु समाना चरित्र बनाने के पहले ब्रह्म की अनुभूति कोई नहीं कर सकता। शरीरधारियों को पहले अपना चरित्र श्रेष्ठ बनाना होता है, उसके बाद ही कोई भी साधना आपको फल प्रदान कर सकती है। साधना और उपासनाओं का फल, श्रेष्ठ फल उसी को मिलेगा कि जिसका चरित्र श्रेष्ठ है। चरित्र श्रेष्ठ नहीं बनाया और हिरण्यकशिपु साधना करने बैठ गया तो क्या दशा हुई? चरित्र श्रेष्ठ नहीं बनाया और रावण ने तपस्या की तो तपस्या का क्या श्रेष्ठ फल उसको मिला? कुछ नहीं, मौत मांगी, जीवन तो मिला नहीं। इसलिए साधना, उपासना, अनुष्ठान ये सब करने के पहले चरित्र बनाना होता है। फिर चाहे जिस देव की आप आराधना में लग जाओ, आपको भगवान का जो स्वरूप अच्छा लगे उसकी आराधना करो, लेकिन चरित्र बनाना ये पहली आवश्यकता है। नींव तो बनानी पड़ेगी, आप फिर चाहे छोटा घर बनाओ या बड़ा बनाओ, नींव तो अनिवार्य है, चरित्र अनिवार्य है। और ऐसा बहुत होता है आजकल कलयुग में, क्रिया कर्म करने वाले लोग, मंत्र तंत्र करने वाले लोग बहुत होते हैं। आज के समय में, कलयुग में जितने तांत्रिक हैं उतने पहले नहीं थे। आजकल तो लोग चैनलों पर आकर भी तंत्र सिखाते हैं। कलयुग में जितने क्रिया कर्म करने वाले लोग हैं, विधि विधान करने वाले लोग हैं, इतना पहले कभी नहीं था। लेकिन फिर भी कलयुग में लोग जितने परेशान हैं उतना पहले कभी नहीं था। आज जितनी समस्याएं हैं उतनी पहले कभी नहीं थी। कारण यह है कि चरित्र बनाओ। बिना चरित्र बनाए आप विधि विधान करोगे तो उस विधान से उल्टा फल होगा, परिणाम उल्टा होगा। रावण साधना बहुत करता था, विधि विधान तो नियमित करता था, लेकिन चरित्र नहीं बनाता था अपना श्रेष्ठ। तो फिर हनुमान जी ने क्या कहा? उल्टा हो ही कहना। और रावण को तो हमेशा उल्टा ही परिणाम प्राप्त हुआ। वो मारने के लिए साधना करता है तो खुद ही मरता है, उसको तो उल्टा ही परिणाम प्राप्त होता है। विधि विधान ठीक है, लेकिन चरित्र बना लेना चाहिए पहले। शरीर के द्वारा क्या करना है, देह के द्वारा क्या करना है, इतना समझ लो। तो देह द्वार है, देह ही द्वार है। देह के द्वारा क्या करना है वो समझना, यानी अपने चरित्र को पवित्र कर लेना। चरित्र की पवित्रता के बिना साधना का सुफल प्राप्त नहीं होगा, उल्टा तो जरूर होगा। बिना समझे आपने उपचार किया है तो फिर उपचार से लाभ नहीं होगा, नुकसान तो होगा। जो दवाई आपके नहीं है वो आप ले लो तो फिर लाभ नहीं होगा, नुकसान तो होगा। इसलिए शरीरदारी को पहले चरित्र बना लेना चाहिए। और चरित्र बनाने में चाहे आपके जिंदगी के 50 साल भी क्यों ना लग जाए, पूरा का पूरा एक जीवन भी लग जाए तो लगा दो, लेकिन चरित्र बनाओ। पहली बात यही है, चरित्र बनाओ।
चरित्र बनाने के लिए चरित्र सामने रखना होगा उदाहरण के रूप में, यानी कि राम जी का चरित्र। इसीलिए ब्रह्म को भी राम कहा है, और जिनके चरित्र से हम अपने चरित्र को श्रेष्ठ बना सकते हैं उस दशरथ जी के पुत्र को भी राम कहा है, क्योंकि इस राम से हमें गुण सीखना है। और महाराज के पुत्र राम के गुणों को आत्मसात कर लो तो ब्रह्म राम को प्रकट करोगे, ब्रह्म राम के अनुभूति के योग्य बनोगे। तुलसीदास जी ने भी राम की चर्चा की है, कबीर जी ने भी राम की चर्चा की है, लेकिन दोनों के राम में यही फर्क है। तुलसीदास जी ने जिन चरित्र से हमें चरित्र बनाना है उस राम की चर्चा की है, और कबीर जी ने ब्रह्म राम की चर्चा की। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं हूं तेरे पास में, कबीर जी ये बात करते हैं। कि राम व्यापक है, राम घटघट में है, राम कण कण में है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मैंने प्यासी, सुन सुन आवे हांसी, राम कहां नहीं है, राम कहां नहीं। न तो हमारे पास कोई मुरद है, लेकिन हम राम के भक्त हैं, हम राम को बजते। ये कबीर कबीर की धारा। न तो हमारे पास कोई मंदिर है, लेकिन फिर भी हम राम को बजते, हम राम के उपासक हैं। ब्रह्म राम की चर्चा कबीर जी ने की, और तुलसीदास जी ने इस राम की चर्चा की है। और जब कोई कहे कि अरे कबीर जी कह रहे वो गलत, कबीर जी झूठ बोल रहे, आप कह रहे कि राम तो दशरथ जी के पुत्र हैं, नवमी के दिन जन्म हुआ है चैत्र मास में, कबीर जी तो कह रहे कि नहीं राम तो घटघट में है, साहेब सबका बाप है, तो क्या वो झूठ बोल रहे। तो तुलसीदास जी तो संत है, कहा कि नहीं, न तो कबीर जी झूठ बोल रहे न तो हम झूठ बोल रहे, लेकिन कबीर जी जिस राम की चर्चा कर रहे हैं ना, वो ब्रह्म राम, बिना हाथ पैर का राम, निर्गुण निराकार राम, वो जगत को कुछ संदेश देने के लिए, जगत को जीवन प्रदान करने के लिए वो ही राम महाराज के पुत्र के रूप में दुनिया में आए हैं, ताकि हम उनके जीवन से भी प्रेरणा प्राप्त। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने तो दोनों राम की चर्चा की है, राम ब्रह्म परमानंद रूप, राम ब्रह्म परमानंद रूप। तो जपना उस राम को होता है जो कबीर जी के राम, राम 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 राम, राम भजन उस राम का किया जाता है जो कबीर के राम है, जो व्यापक राम है, जो ब्रह्म राम है। क्योंकि पुत्र राम तो लाखों वर्ष पहले हो गए, आज तो है नहीं, तो आज हमारी मदद कैसे करेंगे। आज तो हमारी मदद वही राम करेगा जो राम व्यापक है, जो राम हमारे भीतर भी है बाहर भी है, वही राम हमारी मदद कर सकता है। तो बजना ब्रह्म राम को होता है, लेकिन जीना दशरथ पुत्र राम को होता है। इस बात को ठीक से समझ लोगे ना, तो फिर राम तत्व में आपकी आस्था स्थिर हो जाएगी, बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। कि दशरथ जी के पुत्र राम को जपे या फिर शिव को बजे, ये बजे वो बजे, क्या करें। इसीलिए हम राम को भजते हैं कि राम ब्रह्म है, इसीलिए हम माला जपते हैं उस नाम की कि राम ब्रह्म है।
कबीर जी ने कहा आत्मा राम है, तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम हमारी आत्मा है, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता। व्यवहार में कबीर के राम को कैसे धारण करोगे आप, क्योंकि उनके तो हाथ पैर ही नहीं है। तो व्यवहार में तो अयोध्या के राजकुमार राम को ही धारण करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ भाई है, माता पिता है, पत्नी है, समाज है, सेवक है। तो फिर गुण तो हमें दशरथ जी के पुत्र राम से ही जीवन में लेना है, लेकिन हमें बजना है उस राम जो ब्रह्म है। बजो रे भैया राम
और राम महाराज के पुत्र भी है। जब इन दोनों बातों को मान करके चलोगे तभी रामचरित्र के द्वारा आप ब्रह्म राम की अनुभूति करके अपनी इस जीवन यात्रा को पूर्ण रूप से सफल कर पाओगे। इसके लिए दोनों स्वरूप हमारे लिए आवश्यक है। रूप से दशरथ जी के पुत्र हैं, स्वरूप से ब्रह्म है। चरित्र बनाने के लिए चरित्र की जरूरत है, ऐसा तुलसीदास जी को लगा। इसलिए ब्रह्म राम की चर्चा न करते हुए श्री राम चरित्र मानस की रचना की। रामचरित मानस के 7 कांड है। 7 कांड को तुलसीदास जी ने 7 सोपान माना है, 7 सीढ़ी माना है। और ये 7 सीढ़ी ऐसी हैं जो क्रमशः साधक को राम भक्ति तक ले जाती है। बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक राम की कथा और ये 7 सीढ़ी आपको कहाँ ले जाएगी? तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम भक्ति तक ले जाए, क्योंकि भक्तिवान है वो ही शक्तिवान है। जब तक व्यक्ति भक्तिवान नहीं बनता तब तक किसी ना किसी प्रकार की दरिद्रता आपके जीवन में बनी ही रहेगी, क्योंकि भक्ति ही संपत्ति है, भक्ति ही श्री है, भक्ति ही समृद्धि है, भक्ति ही रिद्धि सिद्धि है। भक्तिवान होना ही संपन्न होना है, समृद्ध होना है। धनवान है लेकिन भक्तिवान नहीं है तो किसी ना किसी प्रकार की दरिद्रता तो आपके अंदर होगी, कोई तो ऐसी चीज होगी कि जिसके लिए आप तड़पते होंगे, जिसके लिए आप मरने मारने को तैयार हो जाते होंगे धनवान होकर भी।